नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्राकृतिक अंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हमीरपुर दौरे का तीसरा दिन आज। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोषण अभियान के तहत सरकार की विशेष पहल की गई है। पहल के तहत सामग्री वितरण का शुभारंभ किया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है और साथ ही शिक्षकों को आधुनिक टैबलेट भी वितरित किए गए। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनता को इस दौरान संबोधित भी किया। आज सीएम सुक्खू के दौरे का ये तीसरा दिन है। आपको बता दें कि इस पहल के तहत सामग्री वितरण कार्यक्रम रखा गया है, बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया और साथ ही शिक्षकों को आधुनिक टैबलेट भी वितरित किए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनता को भी संबोधित किया। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हमीरपुर की। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हमीरपुर दौरे का तीसरा दिन है और इस दौरान उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। आज उन्होंने कार्यक्रम के तहत बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया और साथ ही शिक्षकों को भी टैबलेट वितरित किए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं सीएम सुक्खू ने जनता को भी संबोधित किया। दरअसल पोषण अभियान के तहत सरकार ने ये विशेष पहल शुरू की है और पहल के तहत सामग्री वितरण कार्यक्रम रखा गया जहां शिक्षकों को टैबलेट बांटे गए और साथ ही साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनता को संबोधित भी किया। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हमीरपुर की। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इन दिनों हमीरपुर दौरे पर हैं और आज उनके हमीरपुर दौरे का तीसरा दिन है। आज उन्होंने हमीरपुर में एक नई पहल शुरू की। दरअसल आपको बता दें कि आज शिक्षकों को आधुनिक टैबलेट वितरित किए गए और इसके साथ ही पोषण अभियान के तहत सरकार ने एक विशेष पहल शुरू की है। इस पहल के तहत सामग्री वितरण का शुभारंभ किया गया। बाल पौष्टिक आहार योजना के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और साथ ही आपको बता दें कि शिक्षकों को भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आधुनिक टैबलेट वितरित किए। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गर्ल्स हॉस्टल में घटना के बाद से हड़कंप मचा है, इस वक्त की बड़ी खबर। दरअसल पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। शिमला में ये बड़ा हादसा हुआ है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। गर्ल्स हॉस्टल की चौथी मंजिल से एक युवक गिरा और युवक की मौत हो गई। तो शिमला के आईजीएमसी में ये बड़ा हादसा हुआ है। गर्ल्स हॉस्टल में घटना के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शिमला के आईजीएमसी में ये बड़ा हादसा हुआ है। गर्ल्स हॉस्टल की चौथी मंजिल से युवक गिरा और युवक के गिरने से उसकी मौत हो गई। वहीं इस पूरी घटना के बाद से गर्ल्स हॉस्टल में भी हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल शिमला के आईजीएमसी में ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज कर गंभीरता से जांच भी शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, गर्ल्स हॉस्टल की चौथी मंजिल से युवक की गिरने से मौत हुई है। और रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, पांपटा साहिब से बड़ी खबर। पांपटा साहिब में भारी भूस्खलन हुआ है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भूस्खलन होने से सड़क का नामो निशान खत्म हो गया है। कई गांव का जिले से संपर्क भी टूट चुका है और लोगों ने मौके पर वीडियो भी बनाया है। दरअसल आपको बता दें कि
मौके पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी पहुंचकर सड़क बहाली का काम शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पापड़ा साहिब की, जहां किस तरह से जो भूस्खलन होता है और उसके बाद जो पूरी सड़क है वो वहां से गायब हो जाती है। हालांकि इस घटना के बाद से जहां कई गांव का जो संपर्क है वो सिरे से टूट चुका है, मौके पर पीडब्ल्यूडी विभाग भी पहुंचा है और अब फिर से सड़क बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस दौरान इस भूस्खलन की जो तस्वीरें हैं वो लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर ली और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये भूस्खलन हुआ, जिसके बाद जो मार्ग है वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है और कई गांवों का जिले से संपर्क भी टूट गया है। लोगों ने मौके पर ये वीडियो भी बना लिया और ये भूस्खलन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं पापड़ा साहिब की। ये वीडियो उस दौरान का जब अचानक से भूस्खलन हुआ और देखते ही देखते पूरी सड़क का नामोनिशान खत्म हो गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भूस्खलन की तस्वीरें हैं और लोगों ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, पापड़ा साहिब में भूस्खलन हुआ है और जिसके बाद जो सड़क है वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुकी है। हालांकि मौके पर पीडब्ल्यूडी विभाग पहुंचा और सड़क बहाली का काम जारी है, लेकिन फिलहाल कई गांवों का जो संपर्क है वो जिले से टूट चुका है क्योंकि रोड जो है, सड़क जो है वो गायब हो गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। रॉबिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, इसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग भी मौके पर पहुंचा, कब तक सड़क जो है वो बहाल कर दी जाएगी? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो विभाग के अधिकारियों से बातचीत की गई थी, उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों की जो सड़क की काफी भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सड़क पर जगह जगह जो मलबा आया है इस कारण समय लग रहा है और जहां पर जिस लोकेशन में भूस्खलन हुआ है उसके निचले लोगों के मकान भी है, इसलिए जो पत्थर मलबा नीचे नहीं फेंका जा रहा है तो उसे खोलने में काफी समय लगेगा, जिसके चलते जो यहाँ पर वाहनों की जो कतारें लग रही है, उन लोगों को वहाँ भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल रॉबिन, और इसके साथ ही साथ क्या प्रशासन की ओर से कोई अलर्ट भी दिया गया है इस रूट पे, क्योंकि ये भूस्खलन अचानक से होता है और ऐसे में अगर उस दौरान वहां से कोई राहगीर या कोई गाड़ी गुजर रही होती तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो ये इलाका है, ये हरिपुर धार, गाता धार, नैनी धार इत्यादि जो पंचायत है, बड़ी बड़ी पंचायत है, सिलाई विधानसभा की है, उनको जोड़ने वाली ये सड़क थी और जहां पर भूस्खलन हुआ है प्रशासन ने पहले ही एडवाइजरी जारी की है कि ग्रामीण इलाकों में जब भी सफर करें तो देख कर सफर करें, लेकिन जैसे ही आज सुबह मौसम खुला और अचानक जो भूस्खलन हुआ है उसका प्रशासन अलर्ट हो गया था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पापड़ा साहिब का ये पूरा मामला आपको बता रहे, जहां अचानक से भूस्खलन होने से जो मलबा है वो सड़क पर आ गया और इस दौरान जो मार्ग है वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का। बिलासपुर में सड़क हादसा हुआ है, किरतपुर नहर चौक पोलियन के पास कैंटर पलटने से ये बड़ा हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर सेब से भरा ये कैंटर अचानक पलट गया और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है, हालांकि एक घायल बताया जा रहा है। फिलहाल घायल व्यक्ति का स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगामी कार्यवाही भी शुरू कर दी है। बिलासपुर तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर, अनियंत्रित होकर कैंटर पलटने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। बिलासपुर से हमारे सहयोगी सुभाष ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। सुभाष, जिस तरह से पूरा हादसा हुआ है इसके पीछे किसकी लापरवाही मानी जा रही है, क्या वजह रही घटना के पीछे? सुभाष, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आज सुबह एक कैंटर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया है, इसमें चालक की लापरवाही बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये चालक मनाली की ओर पंजाब की तरफ सेब लेकर जा रहा था, जैसे ही गरमोड़ा से 500 मीटर के पीछे यह चालक पहुंचा तो इसने अपने गाड़ी के ऊपर से नियंत्रण खो दिया और पहले दीवार के साथ जा टकराया, उसके बाद इस सड़क पर जा पलटा है। चालक की मौत इसमें हो गई है, जबकि दूसरा जो व्यक्ति हो गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे 1033 का जो NHAI की एम्बुलेंस है उसके द्वारा एम्स में पहुंचाया गया है, वहां पर उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि लगातार ये जो किरतपुर नेरचौक टोलाइन जो मार्ग है इस पे आए दिनों यहां पर हादसे तेज रफ्तारी की वजह से हो रहे हैं।
हाँ बिल्कुल सुभाष, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना हुई, एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक अभी भी घायल बताया जा रहा है, फिलहाल घायल की क्या कुछ स्थिति है और इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? देखिए जो घायल हुआ है अभी उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, लेकिन उसका उपचार वहां पर चला हुआ है। और अगर बात की जाए पुलिस की तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है चालक के खिलाफ। चालक तो मर गया है, पर लेकिन जो उसका जो परिचालक है उसके बयान के आधार पर तेज रफ्तारी की वजह से ये मुकदमा उसके ऊपर लागू किया गया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर में एक दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षु कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित की गई और इस वर्कशॉप की अध्यक्षता तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने की। तो वही इस वर्कशॉप में अधिकारियों को जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से डिप्लोमा धारकों सहित योग्य व्यक्तियों को सरकारी विभागों में नियुक्त किया जाएगा, साथ ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बारे में भी अधिकारियों को बताया गया। ये तस्वीरें भी दिखा रही हैं बिलासपुर की। तो वही 15 अगस्त को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से कर्मचारियों के डीए और एरियर को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई, जिस वजह से कर्मचारी संघ काफी निराश है। इसी को लेकर प्रदेश सचिवालय में कर्मचारी संघ की बैठक हुई। तो वही संघ के अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 अगस्त को कर्मचारियों को मुख्यमंत्री से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने ना तो डीए और ना ही एरियर देने की कोई घोषणा की, जिस वजह से अब कर्मचारी सरकार के खिलाफ 21 अगस्त को जनरल हाउस में रणनीति बनाएंगे। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, पूर्व में हर हिमाचल दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो या दिवाली हो, प्रदेश के कर्मचारी को आस रहती थी कि सरकार डीए देती थी या जो भी हमारी देनदारी होती थी उसको कोई ना कोई इसमें रूप में देती थी। तो इस बार भी आस लगा रखी थी पूरे प्रदेश के कर्मचारियों ने, यहाँ तक कि सचिवालय सेवा कर्मचारी संघ माननीय मुख्यमंत्री से 12 तारीख को शायद मिला था, 12 या 13 को, तो हमने उनसे अनुरोध किया था कि इस बार आप स्वतंत्रता दिवस पर अपने ससुराल जा रहे हैं, अच्छी बात है, और वैसे तो क्या होता कि ससुराल वाले जवाई को खाली हाथ नहीं भेजते हैं, लेकिन आपने व्यवस्था परिवर्तन का नारा लगाया है तो क्यों ना आप इस बार अपने ससुराल वालों को कुछ दे के आए। तो माननीय मुख्यमंत्री कहने लगे भी क्या, तो मैंने कहा सर साफ शब्दों में बात है कि आप उनको 4% दे के आना, क्योंकि पूरा कर्मचारी प्रदेश का आस लगाए बैठा है और ये जो 4% है, वैसे तो 12% हमारी ड्यू है, तो हम चाहते हैं कम से कम 4% दे दी जाए। वैसे ही बहुत आज के दौर में बहुत महंगाई हो चुकी है। हमने अब आज हम ये निर्णय लेने जा रहे हैं कि 21 तारीख को हम बाहर एक जनरल हाउस करेंगे, उसमें हम पहला एक संदेश दे देंगे सरकार को कि देखिए कर्मचारी में बहुत निराशा है, बहुत हताश है। तो इस सोलन के माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक दिवस का समापन हुआ और इस समापन समारोह में कई तरह की गतिविधियां आयोजित की गई। तो वही स्कूल के छात्रों की ओर से नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया, जिसके जरिए बच्चों को नैतिक मूल्यों के बारे में जानकारी दी गई। तो वही विद्यार्थियों ने फोन से बच्चों में फैल रहे दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता रैली भी निकाली और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सोलन की। इसका उद्देश्य शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देशित शिक्षा सप्ताह के तहत आज 7वां दिन है, लगातार विद्यालय में विभिन्न गतिविधियां हो रही है, उसमें से आज अंतिम दिवस ये गतिविधि थी, जिसमें जैसे हमारे बच्चे आपने इस नाटक के माध्यम से देखा कि मोबाइल के कारण खाना भी नहीं खाते और मोबाइल के कारण पढ़ते भी नहीं है। फिर उद्देश्य हमारा ये है कि माता पिता भी इस बात पर गौर करें कि अपने बच्चे को अननेसेसरी मोबाइल ना दें और उन पर उनका ध्यान रखें कि वो क्या कर रहे हैं, आवश्यकता के अनुसार ही, क्योंकि आज की टेक्निकल जमाना है। सोलन के कसौली क्षेत्र में बीते कई दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। इस बारिश की वजह से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो वहीं ये बारिश किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, साथ ही किसानों ने उम्मीद भी जगी है और इस बार उनकी फसल अच्छी होगी, बाजारों में उन्हें उनकी फसलों के अच्छे दाम भी मिलेंगे।
काफी समय से बारिश नहीं हो रही थी, बारिश की वजह से काफी समय से टमाटर की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी और हमारे टमाटर अच्छा नहीं चल पा रहा था, जिसकी वजह से हमारे को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अब 2-3 दिन से अच्छी बारिश होने के वजह से हमें बहुत खुश है किसान, और हमें उम्मीद है कि आगे भी अच्छी बारिश होगी जिससे हमारे टमाटर अच्छे होंगे और मंडियों में हमारे को इसका अच्छा दाम मिलेगा, यही उम्मीद है हमें। रक्षाबंधन पर्व को लेकर मंडी के बाजार सच गए हैं। बाजारों में रंग बिरंगी राखियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, तो वहीं इस बार मंडी शहर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से बनाई गई हैंडमेड राखियों की भी काफी डिमांड है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को घर पर ही राखियों के ऑर्डर मिल रहे हैं और साथ ही महिलाओं की आमदनी भी बढ़ रही है। हमने यार रुद्राक्ष की राखियाँ बनाई हुई है, कमलगट्टा, चंदन, मौली और रेशम में की राखियाँ बनाई हुई है। ये राखियाँ इको फ्रेंडली भी है, इनको पहनने के बाद जो है आप साइड पे कहीं फेंकोगे तो ये पर्यावरण को दूषित नहीं करेंगी। इनमें हमने कोई प्लास्टिक यूज़ नहीं किया हुआ है, और जितनी भी लेडीज़ हैं मेरे साथ 30 लेडीज़ें जुड़ी हुई हैं, हमने उनकी फ़ोटो वगैरह मूवी भी दी हुई है अपने MC मंडी में, और वहाँ भी हमारी राखियों को बहुत अच्छा पसंद किया गया है। जैसे 5 रुपए की भी है, रेशम की डोरी हमने 5 रुपए की लगाई है, 10 रुपए की भी है और 20 की भी है, 30 तक है बस लास्ट, और हैंडमेड है। जैसे ये जो है हमने कोटी की बनाई है, ये काफी बिक भी रही है हमारी, कल भी अच्छी सेल हो गई थी। रक्षाबंधन त्योहार को लेकर बाजारों में भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। पांवटा साहिब में मुख्य बाजार दुल्हन की तरह सजे हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं बाजार में जगह जगह राखियों की दुकान लगी हुई है और महिलाएं जमकर राखी की खरीदारी भी कर रही हैं, जिस वजह से व्यापारी भी काफी खुश है। और चलिए अपना हिमाचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।